नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। समंदर में आज देश का नया रक्षक उतर आया है। नौसेना में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाव शामिल हो गया है। इस स्वदेशी युद्धपोत का नौसेना में शामिल होना देश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त आईएनएस मोरमुगाव अनगिनत खूबियों से लैस है। देखिए ये रिपोर्ट। दुश्मन को नस्तनाबूद करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आईएनएस मोरमुगाव को नौसेना को सौंप दिया है। आधुनिक सेंसर और राडार तकनीक से लैस इस युद्धपोत में कई खूबियां हैं। ये युद्धपोत उस समय नौसेना में शामिल हो रहा है जब हिंद महासागर में चीन अपनी शक्ति का लगातार विस्तार कर रहा है। ऐसे हालात में इसका नौसेना में शामिल होना देश और भारतीय नौसेना के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आईएनएस मोरमुगाव अब तक के जहाजी बेड़ों में सबसे ज्यादा घातक और विनाशकारी माना जा रहा है। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मॉडर्न वॉर के लिए बिल्कुल उपयुक्त बताया जा रहा है। मझगांव डॉकयार्ड पर बने आईएनएस मोरमुगाव की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 19 मीटर है। इसका वजन करीब 7500 टन है और ये विनाशकारी युद्धपोत खास तरह के स्टील से बनाया गया है, जिसके चलते ये किसी भी राडार को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। चार शक्तिशाली गैस टर्बाइनों की मदद से चलने वाला ये युद्धपोत 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करेगा। आईएनएस मोरमुगाव में मध्यम दूरी में सतह से हवा में मार करने वाली SAM मिसाइलें और सतह से सतह पर मार करने वाली STS मिसाइलें लगाई गई हैं। इसमें पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं, साथ ही ऑटोमेटेड पावर सिस्टम और क्लोज कॉम्बैट वेपन सिस्टम शामिल है। 15B तकनीक से लैस ये भारत का दूसरा युद्धपोत है जो रासायनिक, जैविक और परमाणु युद्ध के समय बचाव करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम को पिछले साल नेवी में शामिल किया गया था। इस विशालकाय युद्धपोत पर बराक 8 जैसी 8 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसमें देश की सबसे हाई तकनीक से लैस एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में इजराइल का मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार MF स्टार लगा। ये कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को सटीक वार करने में पूरी तरह सक्षम, जिससे ये आसमान में उड़ रहे विमान पर 80 किलोमीटर और जमीन पर 300 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम। इससे पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विशाखापट्टनम पिछले साल नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था, जिसके बाद मोरमुगाव का सेना में शामिल होना देश की सुरक्षा को और पुख्ता करने का काम करेगा। चीन के विस्तारवादी रवैये और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए ये जंगी बेड़े में सीमा के प्रहरी के तौर पर समंदर में तैनात रहेंगे। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।